सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। अभी थोड़ी देर में पापा करेंगे पेंटिंग। जो आपको ध्यान है उस दिन मैंने ब्राउन कलर की पेंटिंग करी थी, ध्यान है कि नहीं? नहीं। तो तभी अभी पापा कह रहे हैं कि मैं अभी एक दो जगह की देखते हैं कि कहाँ कहाँ की पेंटिंग करनी है। मैं लेके आया हूँ लास्ट बारी में ये, बस यही लेके आया हूँ। तो मम्मी क्या बना रखो आपने? ये है मरचूला के छोले। मरचूला के छोले? पहले हम आते जाते रहते थे ना, तो मरचूला में छोले जरूर खाते थे। ये मरचूला है कहाँ? मरचूला तेरी नानी के गाँव के साइड, उत्तराखंड बोलो ना, उत्तराखंड में। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए। तो ये मरचूला एक कोपी के सामने, कोपी गाँव का नाम है। कोपी हो गया। मम्मी के गाँव है ना आपकी मम्मी का? तेरा ननिहाल और तेरी नानी का गांव है वहाँ। मतलब मेरी नानी का गांव है वहाँ पर, मरचूला के सामने। और मेरे नाना का गांव है भौन, मतलब मम्मी का गांव। मेरा गांव है भौन। और ये जो छोले है ना, मरचूला के छोले जो मम्मी कह रही है, जिस वे में मम्मी ने बनाया, ये नसीब तब होते हैं जब हम जाते हैं भौन, क्योंकि उधर ही भौन में जाते टाइम ही मरचूला आता है। और जब हम अपने गाँव जाते हैं तल्ला बोर्ड, वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि वो वे अलग है, उसे चिमटा खाल से है। आओ जितने भी है मेरे मायके वाले, जितने भी है मेरे भाई बहन यूट्यूबर्स और यूट्यूब वाले जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, वो भी जितने हैं सब खाओ। याद आ रही है किसी को ये छोले की? ये देखो, ये छोले की याद आ रही है? तो भैया कमेंट करके बताओ, और जिन्होंने पहली बार सुना होगा उसका नाम, तो भैया कमेंट करके बताना। और अगर आपको मरचूला के छोले के ब्लॉग बनाना है तो भैया कमेंट कर दो, पक्का वहाँ जाके मैं बनाऊंगा अगर जाऊंगा उधर। तो छोले खाते समय, छोले खाते हुए उधर का रिव्यू दूंगा आपको, और वैसे सर्च करके देख लो, पता चल जाएगा आप सबको। और दीदी ने यहाँ बना रखा है पकौड़े। मैं खाता तो नहीं हूँ पर तब तो बोलो अच्छा, और प्याज से बना रहे अच्छा, बस एक खाऊंगा मैं क्योंकि बनाया है, मिल एक दो ही रखा है इसलिए। भाई यहाँ का भी देखो पापा ने पेंट कर रखा है, जो स्टार्टिंग में दिखाया होगा आपको मैंने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हल्का सा करा है कलर, और एक ये इधर भी कर दिया और एक इधर भी कर दिया यहाँ पर भी। तो मिले रख दो मरचूला के छोले। ये मम्मी खा रही है 3 दिन बाद चावल है। 3 दिन बाद आ गए, 6-7 दिन हो गए। अच्छा, हुई 6-7 दिन है, हफ्ता हो गया मैंने पूरा चावल खाए हैं। हाँ। खाओ आज मरचूला के छोलों के साथ, जो घर में इन्वेंशन कर रखी है, होममेड मरचूला के छोले। सो भाई होममेड मरचूला के छोले खा के तो भैया मजा आ गया यार। और मेरे साथ एक चूजे ने और खाया, जो मेरे साथ सो रहा है अभी, दिन में सो रहा है बंदर ये। अरे बंदर, वैसे दिन का टाइम इनका सोने का ही होता है। A few minutes later. भाई मैं रेडी हो चुका हूँ बाहर जाने के लिए। बाहर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि भाई कुछ बेसिक नीड है जो सभी को पूरी करनी है। आप सब मेरी बात सुन लो भाई, अगर आप घर में ही हो काफी टाइम से, तो भाई प्रिकॉशंस अपने पास ही रखो। मतलब जैसे कि मैं अभी लेने जा रहा हूँ कोरोनिल किट, तो भैया कभी भी जरूरत पड़ सकती है, उसको यूज कर सकता है कौन कौन, जिनको कोविड है, जिनको कोविड नहीं भी है ना, उनको यूज करने का अलग ही वे है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा वो। पर अभी मेरे को विनोद भाई का मेरे को कॉल आया था, अभी मेरे कजन ब्रदर हैं सबसे बड़े भाई, तो उनका मेरे को कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि भाई यहीं पर ही आसपास मिल रही है प्लेस का नाम बताया, तो वहाँ पर मैं विपिन भाई के साथ जाऊँगा। तो अभी मैं जा ही रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कोरोनिल किट का, और एक और चीज़ है वो अगर मिल गई तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलता हूँ फटाफट, क्योंकि भाई बाहर सेफ्टी से जाना। तो तभी मैंने देखो पूरा अपना हाथ कवर कर लिया है, नीचे से लोअर पहन लिए, और ऊपर से भी पूरा मास्क और टोपी पहन के जाऊँगा, हेलमेट पहन के चला जाऊँगा। तो फटाफट जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको बाहर का व्यू। सो अभी निकल चुका हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ मैं मधु विहार की साइड, पहले भाई को पिक करने के लिए। अरे विपिन भाई, राजापुरी में है ना पतंजलि की स्टोर? तो अभी हम हैं भरत विहार में, और यहाँ से हम जा रहे हैं राजापुरी की रोड एरी, और यहाँ से लेना है लेफ्ट, यहाँ से लेना है राइट, यहाँ से राइट लेके इसी लाइन में ही है। अच्छा, ये रही पतंजलि के स्टोर, ये दिख रहा है फिटनेस स्टेट करके, यहाँ पर जिम भी है इस वाली पे, मिल रहा है ना इसमें ये रहा। तो भाई पतंजलि के स्टोर में हम पहुँच चुके हैं, पूरा सेक्टर 5 का ग्राउंड उधर, और उधर की साइड भी सोसाइटी वगैरह है, और ये है स्टोर पतंजलि की, दिख रही है राजापुरी लाइन में, बिल्कुल राइट टर्न लेके इधर की साइड आ जाता हूँ। विपिन भाई के साथ अभी मैं आ रहा हूँ, तो इसके अंदर हम जाते हैं। और एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि जो भी कोरोनिल किट ले रहा ना, वो सिर्फ एक ही ले सकता है, और किसी के लिए नहीं, कि काफ़ी सोचेंगे भाई 2-3 किट ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो एक बंदा आएगा उसको एक, फिर एक बंदा 2 नहीं ले सकता, ऐसे है विपिन भाई। तभी विपिन भाई के साथ में आया हूँ कि 2 किट मिल जाएंगे, विपिन भाई को भी एक मेरे को भी। तो फटाफट अभी अंदर चलते हैं। विपिन भाई सैनिटाइजर, मैं
कोरोनिल किट तो ले लिए और यहाँ पर एक बंदे को एक ही मिल रहा सही में। तो भाई कोरोनिल किट मेरे को मिल चुकी है, अभी इसका हम यूज तो नहीं करेंगे, पर यूज तब करेंगे अगर इसका यूज करना होगा। जब अगर आपको कोरोनिल किट लेनी हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं यूज स्टोर में, सेक्टर 5 के लिए जैसे आप यहाँ पर आओगे राजापुरी रोड से, तो वहाँ से बस कट लेना है, ठीक है ना, उधर की साइड कट है, वहाँ से कट लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा पतंजलि स्टोर। या फिर आप ना नेट में सर्च कर सकते हैं पतंजलि स्टोर सेक्टर 5, या फिर आप एक और सर्च कर सकते हैं राज मंदिर करके, राज मंदिर के नियर में ही है, राज मंदिर इधर ही की साइड है, मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं यहाँ पर कम आया हूँ सामान लेने के लिए, तो तभी मेरे को यहाँ पर सामान मिल ही गए जो मेरे को लेना था, और अब मैं जाता हूँ घर में। तो भाई अभी हम थोड़ा सा और आगे आगे, कोरोनिल किट तो हम ले चुके हैं, पर अभी मेरे को लेना ऑक्सीमीटर, तो ऑक्सीमीटर लेने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे आ गया वहीं से ही, और इधर ही आकाश हॉस्पिटल, तो इसी के आसपास ही कह रहा था विनोद भाई, तो देखता हूँ अगर मिल जाएगा तो। भाई थोड़ा सा और आगे आके हमको इधर की साइड जो केमिस्ट है इधर जाना है, तो जाते हैं इसके अंदर। सो भाई मैं बाहर से आ चुका हूँ और आप सब कह रहे होंगे भैया उसके आगे का क्लिप क्यों नहीं दिखाया तुमने, उसका रीजन ये है कि भैया एकदम से बैटरी लो हो गई थी, इसीलिए ही फिर वहां से मैं आ गया, पर मैं जो ऑक्सीमीटर लेने के लिए गया था वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो कह रहे थे कि शाम के टाइम आना या फिर कल सुबह सुबह मिल जाएगा, और वो भी 1500 रुपये की, बाप रे। ऑक्सीमीटर में पहले बता देता हूँ सबको, अगर आपको अपना ऑक्सीजन लेवल या फिर पल्स रेट जानना है तो भैया उसके थ्रू आप जान सकते हैं। तो अभी एक फोटो दिखा देता हूँ, ये आपको एक फोटो दिख रही होगी, यही होता है पल्स मीटर, तो आप कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं, पर लो तो बढ़िया वाला लो, समझ रहे हो, तो लेना आप सब भी, पर मेरे को तो नहीं मिला। और मैं आपको दिखा देता हूँ फिर दोबारा से जो मैं लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आया भैया आंवला पतंजलि का, ठीक है ना, ये मैं इसे लाया क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, ये होता है खट्टा बहुत ज़्यादा और विटामिन सी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये वाला, तो मैंने ये ले रखा है। देसी घी भी मैंने अभी लिया है, शहद भी मैंने ले लिया, त्रिफला चूर्ण इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये उस चीज़ में यूज़ करता है अगर आपके पेट में कर्व्स हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा टाइटनेस लग रही है पेट के अंदर, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मेरे को विनोद भाई ने बताया था, मेरे मतलब विपिन भाई सुनील भाई के जो सबसे बड़े भाई हैं विनोद भाई ने, उन्होंने बताया था कि ये वाला चूर्ण लो, मतलब पापा के लिए बेसिकली लिया मैंने। और मैंने लिया है ये वाली जो दवाई है, ये है कंठामृत वटी, ये यूज होती है किस चीज में, जिसमें अगर आपके गले में बहुत ज्यादा खराश सी लग रही है या फिर कफ आते हैं बहुत ज्यादा, वो हो गया या फिर खांसी हो रही है, तो उसके लिए ये वाली गोली। इस वाली गोली को क्या करना है, सुबह और शाम को दो दो गोली खानी है, पानी के साथ नहीं, बस इसको दो गोली ली और चूसते रहो, जैसे आप सतमोला चूसते थे ना, सतमोला बता रहा हूँ भाई, सतमोला बता रहा हूँ, काफी बंदे बोल रहे भाई कौन सा सतमोला, ये सतमोला क्या यार, सतमोला पापा ने खा ली। एक मैंने लिया है इम्यूनो चार्ज, मम्मी मेरे को कह रही थी कि देख लियो पूछ लियो वहाँ पर पतंजलि के स्टोर में कि कोई इम्यूनो चार्जर या इम्यूनो सिस्टम के लिए कोई सबसे बढ़िया गोली कोई होगी, तो मैं ये वाली लेके आया हूँ, सुबह और शाम को एक एक गोली खाना है, खाना खाने के बाद ये वाली, तो बढ़िया रहता है, जो 45 प्लस हैं या फिर 40 प्लस है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। काला नमक भी ले लिया, काला नमक भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर वाइट नमक आप यूज़ नहीं करते तो इसको यूज़ करो। और लास्ट में कोरोनिल किट, ये आपको, आप सब कह रहे हो कि भैया ये क्यों लिया तूने कोरोनिल किट, भाई मेरी बात सुनो, उसका रीज़न ये है कि भैया बाद में ये पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा आसपास, क्योंकि बहुत ही टाइम बाद यहाँ पर जब अप्रूव्ड हुआ है तभी ये मैंने ले लिया है, क्योंकि देखो आप सब कह रहे होंगे भैया वो सब कब लेंगे जिनको चाहिए ज़रूरत है, तो भैया कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर उस टाइम फिर कैसे जाएंगे बाहर लेने के लिए, हम समझ रहे हो, किसी को भी हुआ तो, जैसे मैं यहाँ पर घर में मैं ही जाता हूँ बाहर लेने के लिए, तो मैं ही जाऊँगा ना, तो मैं इसीलिए ही कह रहा हूँ कि भैया लेके रखना चाहिए, तो तभी ये लेके हमने रख लिया, अभी इसका यूज़ हम नहीं कर रहे, जब कभी यूज़ में आएगा तो इसको यूज़ करेंगे और आप सबको बताएंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो तभी हमने कोरोनिल किट ले लिया। अगर आपको सही लग रहा होगा मेरा रीज़न तो कमेंट करके बोलना, ठीक है। सो ये सब सामान मैंने लिया था, अगर आपके ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सब भी कुछ नहीं, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।